प्यारे बच्चों, कोविड 19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सके, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के इंग्लिश के चैप्टर इस्वरन द स्टोरी टेलर के साथ करेंगे और आज हम इस अध्याय के भाग 3 को समझेंगे और साथ साथ इस पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 11 में इंग्लिश का चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिकैपिचुलेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, एंड देन वर्ड मीनिंग्स, एंड देन हॉरर स्टोरी, एंड देन ईश्वरन स्टोरीज इंपैक्ट। आइए अब हम रिवाइज करते हैं जो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। ईश्वरन बिगिंस एन एनेक्डोट अबाउट एन एलिफेंट। ईश्वरन ने एक एलिफेंट के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी सुनाई जो कि उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड थी। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड स्टंपिंग एंड स्मैशिंग व्हाटएवर केम इन इट्स वे। एक दिन टस्कर वहां से भाग गया और उसके सामने जो भी आया उसने उसको कुचल दिया, स्मैश कर दिया। ईश्वरन एम्युलेट्स द मैड एलिफेंट बाय वेकिंग इट्स 3rd टोनेल। अब क्या हुआ कि ईश्वरन ने उस मैड एलिफेंट की बराबरी करने की सोची और उसके 3rd टोनेल पर उसने एक लकड़ी मारी। विद ईश्वरन अराउंड महिंद्रा नेवर फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। जब भी ईश्वरन आसपास होता था तो महिंद्रा को कभी भी किसी टीवी की जरूरत नहीं पड़ी एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वरन स्टोरी सुनाने में बहुत ही माहिर था। आइए जानते हैं आज की वीडियो के इंट्रोडक्शन के बारे में। आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स हॉरर स्टोरी महिंद्रा अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो। ईश्वरन की हॉरर स्टोरी सुनने के बाद महिंद्रा ने विंडो से बाहर झांकना बंद कर दिया या फिर कम कर दिया। महिंद्रा एक्सपीरियंस्ड अ लो मून एंड अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और महिंद्रा ने एक्सपीरियंस किया, उसको लगा कि कोई धीरे से रो रहा है और उसके सामने कोई ऐसा डार्क क्लाउड है जिसने किसी बंडल को पकड़ा हुआ है। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और अगले ही दिन महिंद्रा ने डिसाइड किया कि वो इस मैटर को रिजॉल्व कर देगा उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़कर। आइए जानते हैं इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज फ्राइटेंड, मींस डरा हुआ। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये आदमी कितना डरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरप्टेड, मींस रोकना।
जब ईश्वरन अपनी हॉरर स्टोरी सुना रहा था तो महिंद्रा डर गया और उसने ईश्वरन को इंटरप्ट करने की कोशिश की ताकि वो हॉरर स्टोरी ना सुना सके। नेक्स्ट वर्ड इज फिगमेंट। फिगमेंट मीन्स काल्पनिक कथन। नेक्स्ट वर्ड इज सल्क। सल्क मीन्स नाराज होना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विंकलिंग, मीन्स झिलमिलाता या फिर जगमगाहट। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री की लाइट्स कितनी जगमगा रही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मून, मीन्स कराहना या फिर रोना। नेक्स्ट वर्ड इज प्राउलिंग, मीन्स शिकार की खोज। नेक्स्ट वर्ड इज गटरल। गटरल मीन्स कंठ से उच्चारित स्वर। नेक्स्ट वर्ड इज क्लचिंग। क्लचिंग मीन्स पकड़ना। जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे मम्मी ने इस बेबी को पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिंड। ग्रिंड मीन्स उपहास रूपी हंसी। मतलब कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं उस टाइम जब हम हंसते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रिंड। आइए जानते हैं अबाउट दी हॉरर स्टोरी। Sometimes saw ghosts at night. ईश्वरन बताता है कि कभी कभी उसको रात को भूत दिखाई देते हैं। Ghost of a woman holding a fetus in its arms. और उसको एक औरत का भूत दिखाई देता है जिसने कि एक बेबी को अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ है। There are no such things as ghosts or spirits, but Mahindra exclaim करता है कि भूत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। Expecting Ishwaran to sulk for a couple of days, अब क्या होता है कि महिंद्रा को गुस्सा आता है और वो ईश्वरन को थोड़ा डांट देता है। तो महिंद्रा को लगता है कि शायद कुछ दिनों तक ईश्वरन उससे नाराज रहेगा। But he was as cheerful and talkative as ever. लेकिन महिंद्रा ने पाया कि ईश्वरन उतना ही cheerful और talkative है जितना कि वो पहले था। ईश्वरन stories impact। आइए जानते हैं ईश्वरन की स्टोरीज का महिंद्रा पे क्या इंपैक्ट पड़ा। महिंद्रा वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। जिस दिन महिंद्रा ने ईश्वरन की हॉरर स्टोरी सुनी वो उस दिन रात को ठीक से सो नहीं पाया और वो बहुत बेचैन था। ही ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर The milk white landscape on full moon nights. Mahindra को रात का समय जब पूरा full moon हो वैसा scene देखना बहुत ही अच्छा लगता था अपनी window से। But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window. लेकिन Ishwaran की horror story सुनने के बाद जो कि एक female ghost के बारे में थी, महिंद्रा ने विंडो के बाहर झांकना बंद कर दिया और अवॉइड करने लगा। वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून। और एक रात क्या हुआ कि कोई रोने की आवाज सुनकर महिंद्रा अपनी नींद से सडनली जाग गया। महिंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. और महिंद्रा इतना डर गया कि उसको पसीने आने लगे और वो अपने पिलो पे वापस पीछे लेट गया और उसकी धड़कने बहुत तेजी से धड़कने लगी और वो जोर जोर से सांस लेने लगा। महिंद्रा handed in his papers resolving to leave the haunted place the very next day. और महिंद्रा इतना डर गया कि उसने इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए अगले ही दिन पेपर्स थमा दिए अपने ऑफिसर्स को ताकि वो वहां से जा सके। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा?
हॉरर स्टोरी जो ईश्वर ने हॉरर स्टोरी सुनाई थी, हमने उसके बारे में जाना। एंड ईश्वर स्टोरीज इम्पैक्ट, जो ईश्वर की स्टोरीज का महिंद्रा पे इम्पैक्ट पड़ा, हमने उसको भी समझा। तो आज हमने सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर का पेज नंबर 16 और 17 समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे जाके इसको दोबारा से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। पिछली तीन वीडियो में हमने 9th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ा। आइए हम जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में ईश्वरन द स्टोरी टेलर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आइए जानते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा? महिंद्रा के लिए ईश्वरन क्यों वैल्यूएबल था, मींस ईश्वरन क्यों इतना इम्पोर्टेंट था महिंद्रा के लिए? आइए जानते हैं इसका आंसर। द ऑथर सेज सो बिकॉज ईश्वरन प्रोवाइडेड अ ग्रेट कंपनी टू महिंद्रा। ऑथर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि महिंद्रा के लिए ईश्वरन बहुत ही अच्छा एक दोस्त था, बहुत ही अच्छी उसको वो कंपनी देता था, साथ देता था। He would chat with Mahindra at night when he returned from his work. और ईश्वरन जो है वो महिंद्रा के साथ रात को बातें भी करता था जब वो अपने ऑफिस से वापस आ जाता था। ईश्वरन would also entertain Mahindra by telling stories. और ईश्वरन जो है महिंद्रा को स्टोरीज सुनाकर भी एंटरटेन करता था। Thus, with Ishwaran around, Mahindra never felt bored and never felt the necessity of having a TV for entertainment. और इसीलिए जब भी ईश्वरन आसपास होता था तो महिंद्रा को कभी भी बोर फील नहीं हुआ और उसको कभी भी एंटरटेनमेंट के लिए टीवी की जरूरत नहीं पड़ी। आइए जानते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? ईश्वरन ने उस अपरूटेड ट्री को जो हाईवे पे पड़ा हुआ था उसको कैसे डिस्क्राइब किया, और ऐसा डिस्क्रिप्शन करके ईश्वरन लिसनर्स के लिए कौन सा इफेक्ट क्रिएट करना चाहता था? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे विद आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक वे। ईश्वरन अपनी डिस्क्रिप्शन शुरू करता है एक अपरूटेड ट्री की जो कि हाईवे पे पड़ा हुआ है, और वो अपनी डिस्क्रिप्शन ऐसे सुनाता है। पहले वो अपनी आईब्रो को उठाता है और अपने हाथों को बहुत ही ड्रामेटिक वे में घुमाता है। He would begin by saying that the road was deserted and he was all alone. और वो ऐसे शुरू करता है कि रोड बहुत ही खाली थी और वो अकेला था। Suddenly he spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. और सडनली उसको दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा जंगली जानवर जो कि रोड पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि वो जो अपरूटेड ट्री है वो उसको एक जानवर की तरह दिखाई देता है, एक जंगली जानवर की तरह दिखाई देता है जो रोड पर फैला हुआ है। द इफेक्ट ही wants टू क्रिएट इज सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग। और ऐसा डिस्क्रिप्शन करके जो ईश्वरन है
वो एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है और एक सरप्राइज एंडिंग क्रिएट करना चाहता है लिसनर्स के लिए। आइए जानते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपियर टू बी प्लॉजिबल? ईश्वरन टस्कर की स्टोरी कैसे नरेट करता है? क्या जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया वो एक्सेप्टेबल था? आइए जानते हैं इसका आंसर। ईश्वरन नरेट्स द स्टोरी विद अ प्रोलोग एंड देन हाउ ही इंजर्ड द थर्ड टो ऑफ द वाइल्ड टस्कर विद अ केन इन हिज हैंड। ईश्वरन अपनी स्टोरी को नरेट करते हुए शुरू करता है और बताता है कि कैसे उसने एक टस्कर के, टस्कर मींस बड़े दांतों वाला हाथी, एक टस्कर के थर्ड टो पर एक लकड़ी मारकर उसको इंजर्ड किया। द वाइल्ड टस्कर कोलैप्स्ड और जो वाइल्ड टस्कर था वो बेहोश हो गया। नो द स्टोरी डज नॉट सीम टू बी प्लॉजिबल बिकॉज ईश्वरन वॉज अ स्मॉल बॉय एट दैट टाइम एंड द एलिफेंट डिस्क्राइब्ड बाई हिम वॉज वेरी बिग। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टोरी ईश्वरन ने सुनाई वो बिल्कुल प्लॉजिबल नहीं थी। प्लॉजिबल मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि ईश्वरन उस वक्त बहुत ही छोटा बच्चा था जब उसने उस वाइल्ड टस्कर का सामना किया। आइए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्रास लिविंग क्वार्टर्स? ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर्स में ईश्वरन एक टीवी की कमी पूरी करता था? आइए जानते हैं इसका आंसर। The author says so because Ishwaran provided a great company to Mahindra. जो ईश्वरन है वो महिंद्रा के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी था, उसका बहुत ही अच्छा साथ देता था। Chatted with him at night when he returned from his work. और जो ईश्वरन है वो महिंद्रा के साथ बातें भी करता था रात को जब महिंद्रा अपने काम से वापस आ जाता था। टेल हिम स्टोरीज, और ईश्वरन जो है वो महिंद्रा को स्टोरीज सुनाता रहता था। सो महिंद्रा नेवर फेल्ट द नीड ऑफ हैविंग अ टीवी इन हिज लिविंग क्वार्टर्स। और महिंद्रा को कभी भी टीवी की कमी महसूस नहीं हुई जब वो अपने लिविंग क्वार्टर्स में रह रहा था। He enjoys Ishwaran's company and keeps him even after leaving the house. और इसीलिए महिंद्रा को ईश्वरन की कंपनी बहुत ही ज्यादा पसंद थी और वो उसको उसका काम खत्म होने के बाद भी अपने घर में, अपने लिविंग क्वार्टर्स में रखता था। महिंद्रा calls ghosts or spirits a figment of the imagination. What happens to him on a full moon night? महिंद्रा भूत और आत्माओं को एक काल्पनिक कथन बताता है, मतलब कि वो कहता है कि ghosts और spirits सिर्फ कल्पनाओं में होती है। What happens to him on a full moon night means के full moon night के दिन उसके साथ क्या होता है? आइए जानते हैं इसका answer. On a full moon night, Mahindra sees an apparition similar to Ishwaran's description. जब full moon night होती है तो महिंद्रा को वही भूत प्रेत दिखाई देता है जिसके बारे में ईश्वरन ने डिस्क्राइब किया था। He experienced a low moon and a dark cloudy form clutching a bundle. और वो एक लो मून एक्सपीरियंस करता है, मतलब कि उसको किसी के धीरे से रोने की आवाज आती है और उसको दिखाई देता है विंडो से बाहर कि जैसे कोई डार्क क्लाउडी फॉर्म जो है उसने किसी बंडल को पकड़ा हुआ है। ही ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड
fell back on the pillow panting, और वो बहुत ही पसीना पसीना हो जाता है और अपने पिलो पर वापस पीछे लेट जाता है, अपने तकिए पर वापस पीछे लेट जाता है और उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती है। He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. और वो अपने आप को reasons देना शुरू करता है कि जरूर ही ये कोई auto-suggestion है, means अपने आप ही इसके दिमाग में आया और या फिर ये उसके subconscious mind की कोई trick है, मतलब कि या फिर उसके माइंड ने उसके साथ कोई खेल खेला है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? क्या आप इस स्टोरी की कोई और एंडिंग सोच सकते हैं? आइए जानते हैं इसका आंसर। द स्टोरी कुड एंड इन अ सीन इन विच महिंद्रा वुड कम टू नो दैट इट वॉज नन अदर देन ईश्वरन हु हैड ट्राइड to scare Mahendra that night by making all those noises. इसका एक एंड ऐसे भी हो सकता है कि क्या पता ईश्वरन ने ही महिंद्रा को डराने की कोशिश की हो उस रात को और उसी ने वो अजीब सी आवाजें निकाली हो। So friends, आज हमने क्या सीखा? आज हमने कुछ important questions पढ़े ईश्वरन the storyteller के। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर्स आप एक बार फिर रिवाइज करेंगे घर पर जाके और आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है We are not afraid to die if we can all be together. और जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से नरेटर अपनी फैमिली के साथ एक जर्नी पर निकलता है और वो जर्नी ऑलरेडी जेम्स को 200 ईयर्स पहले कर चुके हैं और नरेटर चाहता है कि वो उसे दोबारा से दोहराए, डुप्लीकेट करे, और इसी वजह से वो लोग जुलाई में इंग्लैंड से निकल चुके हैं। हमने इससे पहले वीडियो में उनकी जनवरी 2 के डे के बारे में बात करी कि जनवरी 2 को उन लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 3 की। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 3rd, जनवरी 4th एंड जनवरी 5th के बारे में कि आखिर 3rd, 4th और 5th जनवरी को उनकी जर्नी कैसी रही। चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 3, अब नरेटर जनवरी 3 के बारे में हमें बता रहा है और बता रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने 2 आवर्स का रेस्ट ले लिया था रोटेशन करते हुए। इसके बाद वो हमें बता रहा है कि बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन कि अभी भी उनकी शिप में कहीं पर बहुत बड़ी लीक थी जिससे पानी अंदर आ रहा था। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिप्स फ्रेम वाज स्मैश और जब नरेटर ने नीचे जाकर चेक किया तो उसने पाया कि जो बोट के मेन रिप्स फ्रेम है वो सब टूट चुके हैं। आगे नरेटर अब हमें बता रहा है कि वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट यानी कि जो सबसे पहले तूफान में जिस वेव ने नरेटर की बोट को हिट किया था उसको अब 15 आवर्स हो चुके हैं और नरेटर ने ये 15 आवर्स सर्वाइव कर लिए हैं। अब नरेटर ने चार्ट्स देखे और कैलकुलेट किए और उसे पता चला कि आसपास ही यानी कि कुछ फ्यू 100 किलोमीटर ईस्ट में 2 छोटे-छोटे आइलैंड हैं। इसके बाद ये जो ब्लैक बर्ड्स लिखे हुए हैं, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, ये जो फ्रेज है ये इन्फेस्ट करता है द इनसिग्निफिकेंस ऑफ 2 small islands इन द वास्ट ओशन यानी कि इतने बड़े ओशन में वो बहुत छोटे छोटे आइलैंड थे जो कि अनइम्पॉर्टेंट थे लेकिन नरेटर के लिए वो आइलैंड ही एक होप बन गए द
ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब जनवरी 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद नरेटर बात करता है जनवरी 4 की और हमें बताता है कि किस तरह से अब 36 आवर्स हो चुके हैं उन्हें पानी बोट से निकालते हुए, और मैरी को नीचे से कुछ बीफ और बिस्किट मिल जाता है और आफ्टर 2 डेज के बाद उन्हें पहली बार कुछ खाने को मिलता है। ये उनका फर्स्ट मील था इन ऑलमोस्ट 2 डेज। बट नरेटर और उसकी फैमिली की ये पीसफुलनेस थोड़ी ही देर की थी, क्योंकि एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन, यानी कि 4 बजे फिर से काले बादल उनके ऊपर छाने लगे, और बिफोर सनराइज ऑन जनवरी 5 अवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। अब उन लोगों की सिचुएशन फिर से खराब हो जाती है बहुत, इसलिए नरेटर अपने बच्चों के पास जाता है उन्हें कंफर्ट करने के लिए। तो जो नरेटर का बेटा होता है वो अपने पापा से पूछता है, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि क्या हम मरने वाले हैं। इस पर नरेटर उन्हें एश्योर करने की कोशिश करता है, पर तभी नरेटर का बेटा बोलता है, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी सुई एंड आई, कि मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम लोग सब एक साथ हैं। और दोस्तों यही से हमारे चैप्टर का टाइटल भी आता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके बाद नरेटर बोलता है कि दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम को मैरी और नरेटर एक साथ अपने हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनका एंड नियर हो, यानी कि उनका अंत बहुत करीब हो। और वही दूसरी तरफ जो नरेटर की डॉटर होती है सुजेन, उसका हाफ साइड हेड का काफी ज्यादा सोलन हो चुका होता है, उसकी आंखें बहुत ज्यादा ब्लैक हो चुकी होती है। She gave me a card she had made, और वो अपने फादर को एक कार्ड देती है जो उसने खुद बनाया होता है। Next, I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected. यानी कि नरेटर अब अपनी कैलकुलेशंस चेक कर रहा होता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली वो आइलैंड है, और नरेटर अपनी कंपास भी खो चुका होता है जिससे वो आइडिया लगा सकता है कि किस तरफ वो आइलैंड है, और इसी वजह से अब वो एक पुरानी कंपास को यूज कर रहा होता है। अब नरेटर उस टूटी हुई कंपास से, उस पुरानी कंपास से ही पता लगाने की कोशिश करता है कि इंडियन ओशन के किस फ्लो पर आखिर वो आइलैंड है। इसके बाद जोनाथन अपने फादर के पास जाता है और बोलता है, कैन आई हैव अ हग। इस पर नरेटर पूछता है, व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, कि तुम मुझे इस वक्त क्यों हग कर रहे हो। इस पर जोनाथन बोलता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन। जोनाथन अपने फादर को रिप्लाई करता है। इस पर नरेटर बहुत सैड वॉइस में बोलता है कि नॉट टूडे। तो उसकी जो डॉटर होती है सुजेन, वो बोलती है, वाई यू मस्ट बी यू फाउंड द आइलैंड, कि आपको होना चाहिए क्योंकि आपने आइलैंड फाउंड कर लिया है। और नरेटर फटाफट भागकर डेक पर जाता है और हमें बताता है, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटल वेजिटेशन द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, कि बहुत छोटी सी पीक ही अभी उसे दिख रही होती है और वहाँ पर बहुत थोड़ी वेजिटेशन होती है, पर उसके लिए वो दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है। और रात के समय वो लोग उस आइलैंड पर लैंड करते हैं। अगली सुबह 28 इनहैबिटेंट्स जो उस आइलैंड पर पहले से रहते होते हैं वो उन्हें आकर हेल्प करते हैं, और फाइनली नरेटर और नरेटर की फैमिली लैंड पर होते हैं। फाइनली नरेटर सोचता है, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. कि उस 7 साल की लड़की जिसके सर पर इतनी चोट लगी हुई है, फिर भी वो नरेटर को नहीं बताती कि उसकी चोट लगी हुई है, क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती होती। और वही उसका 6 साल का बेटा जो कि डरता नहीं है मरने से, क्योंकि उसके फादर, उसकी मदर और उसकी बहन सब उसके साथ है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना जनवरी 3,
एंड जनवरी 4th एंड 5th के बारे में कि किस तरह से उन्होंने क्या नए चैलेंजेस फेस किए, किस तरह से एक ऐसा टाइम आ गया था कि उन्हें लगा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे और फाइनली वो एक आइलैंड पर पहुंच गए, और किस तरह से सुजेन और जोनाथन ने अपनी ब्रेवरी हमें इस चैप्टर के थ्रू दिखाई। ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से। तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर अब जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है तो आप एक बार इसे दोबारा जरूर पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय के अध्याय ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर को पढ़ा, और इसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर को पढ़ा। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।